जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट गौचर चमोली में और रोंगपा भाषा की 5 दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हुआ, जिसमें यहाँ मारच्छा भाषा और तोलच्छा भाषा की जानकारी होने पर चर्चा हुई। इस कार्यशाला में 29 शिक्षक और शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जोशीमठ, दशवली, नंदानगर आदि विकास खंडों में स्थानीय अभिभावकों छात्र छात्राओं के साथ संवाद कर रोंगपा भाषा में एक मार्गदर्शिका का निर्माण किया जाना है। फाउंडेशन चरण पर मात्र भाषा में अध्यापन के लिए कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद रोंगपा भाषा में किया जा रहा है। इस अवसर पर प्राचार्य LS वर्तवाल ने कहा है कि रोंगपा भाषा संरक्षण के सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उस दिशा में संदर्श का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। जो प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए, तो इसको लेकर के हम यहाँ पे कक्षा 1 की जो रिविजन किताब है उसका अनुवाद मातृभाषा में कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो भी शिक्षक यहाँ आए थे, विगत 5 दिन में हमने ये दोनों कांड में संघर्ष का निर्माण और कक्षा 1 की रिविजन का मार्चा भाषा में और कोचा भाषा में यानी कि रोंगपा भाषा में आगे जाएगा ये भाषा, तो हमारे जो भावी पीढ़ी है वो अपनी भाषा से दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पूर्वजों का जो आशीर्वाद है, ये पूर्वजों के आशीर्वाद ही हमारे बच्चों के लेंगे, हमारी संस्कृति और रिवाज बरकरार रहेगा ये भाषा।